हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 26, जिसपे हम टारगेट करने वाले 2017 के ऑल एंटोनिम वर्ड्स को। टोटल 10 वर्ड्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, 10 वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम के साथ 50 वर्ड्स को हम टारगेट करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने टोटल 25 सेशन डन कर लिए है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है या इस वोकैब सीरीज पे पहली बार देख रहे हैं, तो पहले ये 25 सेशन कंप्लीट कीजिए। इसमें एसएससी की वोकैब का ही कलेक्शन है, देन मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। फाइन, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट वर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड ऑप्रोब्रियम। तो ऑप्रोब्रियम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्रोब्रियम यानी डिसग्रेस, शेम, निंदा। तो निंदा के लिए इस वर्ड को आप यूज करेंगे। सिनोनिम शेम हो गया, एक डिसग्रेस हो गया, सेंसर हो गया, ब्रिटिशिज्म हो गया, ठीक है, किसी का अपमान करना, निंदा करना, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इंसल्ट, सिंपल सा वर्ड, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एंटोनिम होगा इसका प्रेज करना, ऑनर, एस्टीम, रेस्पेक्ट, अप्रूवल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फाइन, सो एग्जाम्पल के बाद समझते हैं। द कंपनी सफर्ड सीवियर ऑप्रोबियम ड्यू टू इट्स अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो कंपनी ने सफर किया सीवियर यानी काफी सीरियस सेंसर इंसर्ट ड्यू टू इट्स अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। फाइन, तो ऑप्शन में से प्रेज नहीं होगा, डिसऑनर भी नहीं होगा, डिसऑनर, एस्टीम नहीं होगा, रिस्पेक्ट भी नहीं होगा। सो डिसऑनर इज द आंसर, सेंसर, क्रिटिसिज्म, डिसऑनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड एड्यूलेशन। सो एड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है? सो एड्यूलेशन का मतलब होता है कोई सेम चापलूसी करना। एड्यूलेशन स्टैंड फॉर सेम चापलूसी हो गया, प्रेज हो गया, फ्लैटरी, चापलूसी, फ्लैटरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एडमायरेशन, प्रेज करना, जबकि एंटोनिम क्या होंगे? वही निंदा, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, scorn, disdain, disrespectful, ये इसके हो जाएंगे एंड। सो दैट एक्टर वाज अनकंफर्टेबल विद द ओवरवेलमिंग एडुलेशन रिसीव फ्रॉम हिज फैन। सो अपने फैन से जो कुछ एक्स्ट्रा में ही एडुलेशन मिली, चापलूसी रिसीव हुई एक्टर को, उससे उसने अनकंफर्टेबल फील किया। फाइन, सो द आंसर इज क्रिटिसिज्म, एडमायरेशन, कंजम्पशन एंड स्कॉर्न। तो एडुलेशन का इसमें से क्या होगा? एडमायरेशन इज द आंसर, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, कंजम्पशन भी नहीं है और स्कॉर्न भी नहीं है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड ट्रेपिडेशन। सो ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? सो ट्रेपिडेशन यानी एंजाइटी, घबराहट के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे। सिनोनिम हो जाएगा इसका एंजाइटी, अनईजी, फियर, अप्रहेंशन, ये तो क्या है इसके सिनोनिम से। जबकि एंटोनिम जैसे क्या होंगे? एंजाइटी यानी काम है, पीसफुल है, कॉन्फिडेंट है, काम, कॉन्फिडेंट, श्योरेंस, कंपोजर। सो एंजाइटी इज द आंसर, श्योरेंस, कंपोजर, काम, ये सब इसके एंटोनिम है। सो शी फेल्ट अ सेंस ऑफ ट्रेपिडेशन एज शी वॉज इनटू द डार्क अबेंडेंड हाउस। तो छोड़े हुए घर में थी वो, अबेंडेंड हॉन्टेड हाउस में थी, और शी फेल्ट अ सेंस ऑफ ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन यानी घबराहट, एंजाइटी, अनईज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड वैगिश। सो वैगिश का मतलब क्या होता है? सो वैगिश का सिनोनिम होगा जॉक्युलर, विम्सिकल, यानी हंसी मजाक के सेंस में, प्लेफुल, मिस्चीवियस, ठीक है, एक मिस्चीवियस हो जाएगा, और एक वर्ड होगा
फ्लैशियस भी जॉक्यूलर के लेंस के लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, जबकि एंटेरिन इसके क्या होगा, सीरियो काम सॉलन ग्रेव पीसफुल ट्रैंक्यूलिटी, ये सारे इसके क्या होते हैं कि एंटेरिन। तो हिज वैगिश रिमार्क ऑलवेज लाइक इन दी ड्यूरिंग मीटिंग्स, तो उसके जो रिमार्क है कैसे वैगिश यानी जॉक्यूलर रिमार्क, रिमार्क कहते हैं जॉक्यूलर है, फनी है, ठीक है। सो फनी के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे वैगिश, जस्ट लाइक दिस पिक्चर जॉक्यूलर। तो जॉक्यूलर इज द आंसर, सीरियस ग्रेव सॉबर ये भी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड एंस्कॉन्स, तो एंस्कॉन्स का मतलब क्या होता है। सो एंस्कॉन्स यानी छिपाना, यानी जो हिडन है, क्लियर नहीं है, ऑलरेडी सेटल है, जो सेटल है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, स्टेबल है, ठीक है। नेस्ले, नेस्ले इसका सिनोनिम है। सो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, जबकि एंटोनिम्स इसके होंगे अनसेटल है, एक्सपोज करना किसी को, जो स्टेबल नहीं है, एक्सपोज है, एविक डिस्प्लेस, ये इसके एंटोनिम्स रहेंगे। तो डिस्प्लेस नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, नेस्ले इज द आंसर। द कैट वाज एंस्कॉन्स अ वार्म स्पॉट बाय द फायर प्लेस, यानी फायर प्लेस में जो कैट है उसने अपने लिए एक वार्म स्पॉट में वो सेटल हो गई, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड लघुवीरियस, तो लघुवीरियस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सो लघुवीरियस स्टैंड फॉर यहाँ पर मॉर्नफुल, सोरोफुल के लिए स्टैंड कर रहा है, उदास के लिए। सोरोफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसके अलावा मॉर्नफुल हो जाएगा, MOURN FUL, मॉर्नफुल, सोरोफुल, और ग्लूमी, ग्लूमी भी सैड के लिए, जोलफुल। जबकि जो एंटेनिम होंगे वो क्या होंगे, चेयरफुल, जॉयफुल, हैप्पी, बॉयन, अपीट, ये सारे इसके क्या है एंटोनिम्स है। सो चेयरफुल नहीं होगा, जॉयफुल भी नहीं होगा, सोरोफुल इज द आंसर, बॉयंट भी नहीं होगा। सो हिज लग्जूरियस एक्सप्रेशन टोल्ड मी दैट समथिंग सीरियसली रॉन्ग, एक्चुअली थोड़ी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे ये लास्ट के वर्ड्स अभी क्लियर नहीं हो पा रहे, इसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, दैट्स व्हाई। सो उसके जो एक्सप्रेशन है वो लघुवीरियस है, यानी काफी सीरियस है, सोरोफुल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड वेक्सेशन, सो वेक्सेशन का मतलब चिढ़ाना होता है, इरिटेशन, एजिटेशन, इरिटेशन, एजिटेशन, एनेंस, अनॉयंस। जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे, इसकी प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिट्यूड, और एक बार कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट ये भी इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स और ग्रेटिट्यूड। सो कंटेंटमेंट इज नॉट द आंसर, अनायंस इज द आंसर, प्लेजर और कामनेस भी नहीं है। शी एक्सप्रेस हर फिक्सेशन एट द कॉन्स्टेंट डिले इन द प्रोजेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड बर्जॉन, सो बर्जॉन का मतलब होता है आगे बढ़ना, फ्लॉरिश करना, फ्लॉरिश, फलना फूलना, थ्राइव, फ्लॉरिश हो गया, थ्राइव हो गया, ग्रोथ हो गया, बर्ड, ग्रोथ, बर्ड। जबकि एंटेनिम इसके रहेंगे डिक्लाइन, श्रेम, डिमिनिश, डिटोरिएट, श्रिंक होना, ठीक है, विदर। सो डिक्लाइन भी नहीं होगा, थ्राइव इज द आंसर, श्रिंक और डिमिनिश भी नहीं होगा। स्प्रिंग इज द सीजन वेयर फ्लावर्स बर्जन एंड एंड गार्डन विथ कलर, फुलफिल गार्डन विथ कलर। सॉरी एक्चुअली आई टोल्ड यू कि यहाँ का मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। तो स्प्रिंग एक सीजन है जहाँ पर फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, बर्जन कर रहे, फ्लारिश कर रहे, थ्राइव, ग्रोथ एंड बर्ज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड कमर्सरेट, सो कमर्सरेट का मतलब क्या होता है, कमर्सरेट का मतलब सिंपेथाइज करना, ठीक है, सिंपेथाइज। अच्छा ये दो वर्ड होते हैं, सिंपेथाइज
और एम्पेथाइज, इन दोनों में मीनिंग एग्जैक्टली डिफरेंस पता है आप लोगों को? एम्पेथाइज और सिंपेथाइज उस कैटेगरी के लोग करते हैं जिसने उस दुख को फील नहीं किया है, वो बस सिंपथी कर रहे हैं, और एम्पेथाइज जिन लोगों ने उस दुख को फील किया है, फील करने के बावजूद वो लोगों को क्या कर सकते हैं, एम्पेथाइज, यानी जो भी न्यूज है बैड न्यूज जिसने फील कर रखा है ऑलरेडी वो करेगा एम्पेथाइज, और जिस बैड न्यूज को जिसने फील नहीं कर रखा है वो करेगा सिंपेथाइज। सिनोनिम हो जाएगा इसका, कमिसरेट का, सिंपेथाइज हो गया, एम्पेथाइज हो गया, पिटी हो गया, जबकि एंटीनिम क्या होगी, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ठीक है, कंसोल इज द आंसर, नेग्लेक्ट ओवरलुक के साथ नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन दी वर्ड कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कूलनेस, कूलनेस इसका सिनोनिम है, स्टेबिलिटी है, कामनेस, सेरेनिटी, पॉइज, ट्रैंक्विलिटी, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम रह गए। जबकि एंटोनिम क्या होंगे इसके, इस वर्ड के, एंजाइटी, नर्वसनेस, डिस्ट्रेस, अनकंफर्टेबल नर्वसनेस, अनकंफर्टेबल, सो एजिटेशन भी इसका एंटोनिम होगा, कामनेस इज द आंसर, नर्वसनेस, डिस्ट्रेस, एजिटेशन, ये सारे एंटोनिम, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आज हमने 10 वर्ड्स डिस्कस करे, अप्रोब्रियम, एड्यूलेशन, ट्रेपिडेशन, बैगेश, एंस्कॉन्स, लगुवीरियस, वैक्सेशन, वर्जन, कॉमिसरेट एंड कंपोजर, ये सारे वर्ड्स 2017 में आ रखे और एंटेनिम के तौर पे आ रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।